और एक प्रकार से सत्य मार्ग को पुरस्कृत भी किया गया था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 2-2.5 दिन में इस चर्चा में करीब 70 माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण को व्याख्यायित करने में आप सभी माननीय सांसदों ने जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, भारत की आजादी के इतिहास में हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में बहुत दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का साठ साल के बाद ये हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है। और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है। और कुछ लोग जानबूझकर के उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे, कुछ लोगों को समझ नहीं आया, और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं वो जो कहते थे उनके मुंह में घी सककर, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था एक तिहाई सरकार, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है, एक तिहाई हुआ है, एक तिहाई हुआ है, 2 तिहाई बाकी। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों के अखंड एकनिष्ठ अविरत सेवा भाव से किए हुए कार्य को
देश की जनता ने जी भर करके समर्थन दिया है। देश की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। भ्रम की राजनीति को देशवासियों ने ठुकराया है और भरोसे की राजनीति पर विजय की मोहर लगा। आदरणीय सभापति जी, संविधान के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस सदन के लिए भी ये पड़ाव विशेष है, क्योंकि इसे भी 75 साल हुए हैं और इसलिए एक सुहग संयोग है। आदरणीय सभापति जी, मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस देश के सार्वजनिक जीवन में जिनके परिवार में कोई गांव का सरपंच भी नहीं रहा है, गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच करके देश की सेवा कर रहा है। और उसका कारण बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उतने हम जैसे लोगों को अवसर दिया है। और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है, और जनता जनार्दन ने उस पर मोहर लगाई, तीसरी बार आने का मौका मिल गया। आदरणीय सभापति जी, संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है, हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है।